इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात निगम कर्मी के घर गोली चलने की घटना सामने आई है, जहां गोली घर की खिड़की में लगी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगरदा रोड स्थित सृष्टि पैलेस की है, जहां रहने वाले निगम कर्मी जितेंद्र चौहान के घर पर रात 2 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई, जो दूसरी मंजिल पर खिड़की में लगी। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए, जिसकी जानकारी जितेंद्र ने पुलिस को दी, जिसके बाद तुरंत CSP जयंत राठौड़ मौके पर पहुंचे। और बताया जा रहा है कि जितेंद्र चौहान एक जानलेवा हमले के मामले में गवाह भी है, जिसमें गवाही नहीं देने के लिए पिछले दिनों धमकी भी मिली थी। इस वारदात को उसी घटना जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये जितेंद्र चौहान है, इस सृष्टि पैलेस में रहते हैं। इनके द्वारा अभी 100 नंबर पर सूचना दी गई थी कि इनके यहाँ किसी व्यक्ति ने गोली चलाई है, उसी बात को लेकर यहाँ जाँच की जा रही है। इनकी खिड़की का एक कांच टूटा है, थोड़ा टूटा है, उसमें इनके द्वारा एक ब्लड दी गई है। और इनके द्वारा बताया गया है कि रात को 1 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ने फायर किया है। सर कितने फायर हुए हैं सर अभी तक? एक सिंगल फायर, एक गोली चलने का इनके द्वारा बताया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।